अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं खस का सिरप। ये बनाने में बहुत ही आसान है। ये गर्मियों में तो लाजवाब होता है। खस एक घास होता है जो कि बहुत ही ठंडक पहुंचाता है। तो ये कई तरीके के शरबतों में डाला जाता है। इसकी तासीर एकदम से ठंडी होती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक कप चीनी। ये पैन ले लेते हैं। कप चीनी है, 3/4 कप हम इसमें पानी डालेंगे। ये हमने 1/2 कप डाल दिया और ये 1/4 कप, बस हम इतना ही इसके अंदर पानी डालेंगे। स्लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देते हैं हम, और बस इसको हम साइड रखते हैं पकने के लिए स्लो फ्लेम पर। जब हमारी चीनी घुल जाएगी तो हम उसको मीडियम फ्लेम पर भी रख सकते हैं, और आपको दिखाते हैं कितनी देर पकाना है। वहीं हमें चाहिएगा इसके लिए, ये देख सकते हैं आप, खस का एसेंस चाहिएगा और ग्रीन कलर चाहिएगा। 2 चुटकी हमें ये इलायची पाउडर चाहिए। ये हमारी होममेड है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। 1 चुटकी हमें ये लेमन सॉल्ट चाहिए, टार्टरिक, और ये गुलाबी नमक है, 2 चुटकी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वहीं हमारे पास ये चांदी का वर्क है, थोड़े से हमें चाहिएंगे। तो बस पहले हम चाशनी बनाते हैं। स्लो फ्लेम पर इसे 6 मिनट लगी हैं पूरी तरीके से चाशनी बनने में और चीनी घुलने में। हम इसमें डाल देते हैं सिर्फ ये 1 चुटकी इलायची पाउडर। इलायची कूट कर डाल रहे हैं तो छिलका भी डाल दीजिए। 1 ही चुटकी हम इसमें ये गुलाबी नमक डाल देते हैं, सेंधा नमक। ये आपको नहीं मिलता है तो आप सी सॉल्ट भी ले सकते हैं इसकी जगह। अब हम क्या करते हैं, इसको मीडियम फ्लेम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाते हैं सिर्फ 2 से 2.5 मिनट। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। बस इस वक्त इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इसमें कोई तार वगैरह नहीं होता है, उससे ये लूज ही होता है। हम अपने फ्लेम को फौरन से बंद करते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। 2 मिनट हमने इसको पंखे में यूं हिला लिया है। इस वक्त हम इसमें डाल देते हैं ये लेमन सॉल्ट, 2 चुटकी डाल दिया है हमने, और इसको हल्का सा ठंडा और होने देते हैं। हल्का सा ही ठंडा हो गया है। इस वक्त हम इसमें डाल देते हैं 4 से 5 ग्रीन कलर की बूंदे। पहले इसको मिक्स करते हैं। खस का शरबत जो होता है वो ग्रीन ही होता है। ये देखें, हमें 2 बूंदों की ज़रूरत और पड़ेगी। तो इस तरीके से पहली बार में थोड़ा कम ही डाल के देखें। कम होगी तो आप दोबारा बासानी डाल सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें से बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। 1 बूंद और डालते हैं और ये बिल्कुल तैयार है 8 बूंद में। 1/4 टीस्पून एसेंस ले लेते हैं खस का। ये देखें, इसको डालने के बाद तो खुशबू लाजवाब हो गई। तो बस इसको यूं हिला दिया, और इसके बाद अब हम इसके अंदर डालते हैं चांदी के वर्क। तो ये ज़रा से चांदी के वर्क इस पे लगे हुए हैं, पहले इन्हें यूं कर देते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे डालेंगे। ये देखें, चांदी का वर्क है, इसको हाथ लगाना ही नहीं है, इसी में इसको यूं थोड़ा सा महीन कर देते हैं, और बस ये इसी से ही इसमें डाल देते हैं थोड़ा छोटा छोटा सा। हल्का हल्का हमने चम्मच से यूं कर दिया है, चांदी का वर्क तोड़ दिया है। इस तरीके का महीन होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, आप इसमें सोने का वर्क भी डाल सकते हैं, जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है। चांदी का वर्क हमने 1 ही डाला है, तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और जिन्हें ज़्यादा गुस्सा आता है उनको ये पिलाइए। इसकी तासीर ठंडी होती है चांदी की, फ़ायदे के साथ साथ ये गुस्से को भी ठंडा करता है, बशर्ते कि वर्क चांदी का असली होना चाहिए। असली की पहचान यही है कि अच्छी सी जगह से लें। तो ये इस तरीके से भर के आप रखें, मैं ये पूरा ही इसके अंदर डाल देती हूँ। 2 चम्मच डाल लेते हैं हम इसके अंदर। कितना बढ़िया दिख रहा है ये, आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं जब तक के ये ख़त्म ना हो जाए, यानी कि 1 से 1.5 साल भी आप इसको आराम से रख सकते हैं। तो हम आपको दिखाएं, ये छोटी सी वीडियो बनानी थी, लेकिन देखें ये कितना बढ़िया सा दिख रहा है। 3-4 आइस क्यूब ले लिए हैं हमने, गिलास में डाल दिए हैं, और जिस पैन में हमने बनाया था थोड़ा सा पानी उसी में डाल दिया है, ताकि इतना सा भी वेस्ट नहीं जाए। ये नीचे बैठा हुआ है, इसको पहले थोड़ा सा हिलाते हैं। ये देखें, यूं चला के, और जब ये जिसको भी आप पिलाएंगे, और सबसे बड़ी बात मालूम है इसके अंदर क्या होगा, मार्केट से तो सब ला के पिलाते हैं, लेकिन जब अपने हाथ से आप बनाएंगे, और इसमें कोई लागत भी खास नहीं लगती है,
तो ये देखें इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से अपने मेहमानों के सामने आप सर्व करें और इसको 1 से 1.5 साल तक आप रूम टेम्परेचर पर आराम से रख सकते हैं। तो ज़रूर बनाएं, हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे डिश को लाइक करना और हमारे शरबत को तो ज़रूर से लाइक कर दें। फटाफट से अल्लाह।